दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अजय पंडित है सेफ शॉप इंडिया से। आज मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि आज मुझे आप जैसे सौभाग्यशाली लोगों के बीच में आने का मौका मिला। दोस्तों मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और अपने सभी मेंटर, सभी आदर्श, सभी गुरुजनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, चंदन वंदन करता हूं, जो आज मुझे उन्होंने मौका दिया आप लोगों के बीच में आकर दो बात कहने का। दोस्तों आज मैं जिस विषय पर आज आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं, वो विषय बड़ा ही शानदार है, द पावर ऑफ ड्रीम। द पावर ऑफ ड्रीम, शक्ति आपके सपनों की शक्ति। सपने, किसे आप सपने मानते हैं? सपने आखिर होते क्या हैं? क्या वो जो आप रात को सोते समय देखते हैं? हम बिस्तर पर पड़े हुए अपने सपने में हम देखते हैं कि हम सुपरमैन बन गए हैं और चारों तरफ घूम घूम के देश भर की सारी दुख तकलीफों को हम मिटाते चले जा रहे हैं? या वो कभी हम रात में हम देखते हैं खुद को सुपरमैन समझकर हम चारों तरफ आसमान में उड़ते चले जाते हैं, लेकिन अचानक जब आंख खुलती है तो मालूम पड़ा चड्डी और बनियान में हम अपने बिस्तरों में ही नजर आते हैं। क्या आप उसे सपना कहते हैं? या सपना वो जो आपको रात भर सोने ही नहीं देता, किसे आप मानते हैं? हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति जी रहे हैं माननीय श्री APJ अब्दुल कलाम साहब, जिनका ये कहना था कि सपने वो नहीं होते जो आप बंद आंखों से देखते हैं, सोते हुए देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जिसकी वजह से आप अपनी रातों की नींद आप भूल जाते हैं, आप सोना छोड़ देते हैं। वो जुनून जो आपको सोने नहीं देता, आपको पागल बना के रखता है, सपनों तो दोस्तों उसे कहते हैं। जब सपने इतनी बड़ी चीज है जिंदगी में, अगर कहा जाए कि कोई भी आदमी अगर अपनी जिंदगी को बहुत ऊंचाई तक अगर लेके जाना अगर चाहता है तो सपने बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज हमारे समाज में सपने देखने की इजाजत है? क्या आपको लगता है कि सपने देखना हमारे इस चारों तरफ के समाज में देखना जायज है? क्या कहते हैं आप स्कूल और हमारे समाज के बारे में? सच कहना, ये स्कूल और भी सपने नहीं देखने देता। याद कीजिए ना वो स्कूल का समय। मुझे आज भी याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो हिंदी एक विषय हुआ करता था जिसको हम पढ़ा करते थे, अंग्रेजी भी पढ़ा करते थे एक विषय के रूप में, गणित भी पढ़ा करते थे, जीव विज्ञान भी पढ़ा करते थे, भौतिक शास्त्र पढ़ा करते थे, रसायन शास्त्र पढ़ा करते थे, नैतिक शास्त्र पढ़ा करते थे और न जाने कितने तरह के शास्त्र पढ़ा करते थे। लेकिन एक जो खास विषय जिसको पढ़ाया जाना चाहिए था वो कभी नहीं आया, ड्रीम साइंस, स्वप्न विज्ञान। कभी इसके बारे में तो स्कूल की क्लास में कभी चर्चा ही नहीं की गई। हमें तो सिर्फ मैथ के वही थ्योरियां सिखाई गई, a + b = a² + b² + 2ab। जिंदगी में समझ में ही नहीं आया कि उन चीजों का हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल क्या करें। लेकिन सच कहा जाए, सपने, जिन सपनों की वजह से कोई आदमी ऊंचाई तक जाता है, उन सपनों के बारे में बात आज तक किसी स्कूल में नहीं की, आज तक कभी उसके ऊपर चर्चा नहीं की। क्यों? लगता था कि सपने कौन आदमी पूरे कर सकता है, और सपने भी कोई सब्जेक्ट में पढ़ाने के लिए, सपने भी कोई ऐसी चीज है जिसके बताया समझाया जाए, बताने के लिए तो खाली विज्ञान है। कभी भी सपनों के विज्ञान के बारे में कभी चर्चा नहीं की गई। समाज के बारे में दोस्तों अगर बात करें ना, स्कूल के भीतर आप कितने टैलेंटेड हैं, आपके टैलेंट को चेक नहीं किया जाता। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपके इंटेलिजेंसी को चेक नहीं किया जाता। स्कूल तो सिर्फ आपकी मेमोरी को टेस्ट करने का खाली एक साधन बन जाता है। आपकी कितनी क्षमता है याद करने की, वह एग्जाम के मार्क्स, एग्जाम की डेटा शीटों में आप सिर्फ लिखते हैं, आपकी मेमोरी पावर को खाली चेक करते हैं। आप कितने बड़े सपने देख सकते हैं, कितने बड़े सपने देखने वाले व्यक्ति हैं, कितनी ऊंचाई आपके भीतर सपने देखने की है, इससे आपके स्कूल को कोई लेना देना नहीं होता। बात करें ना इस समाज की, बात करें अगर इस समाज की तो क्या कहा जाए, जहां आज दुनिया में कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा कॉलेज नहीं जहां पर ड्रीम साइंस के बारे में पढ़ाना शुरू करता है। मेरे यार, अगर इस समाज के भीतर भी अगर आप जाकर जब अपने सपनों के बारे में बात करते हैं ना, बड़े सपनों के बारे में, सच कहें ना कि जब आप बड़े सपनों के बारे में बात करना आप शुरू करते हैं तो दुनिया का हर आदमी आप पागल ही कहना शुरू करता है, पागल समझते हैं ना। ऐसे बड़े बड़े सपनों के बारे में आप बात करना शुरू करते हैं जिन सपनों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि जीवन में कभी पूरे हो सकते हैं। छोटी छोटी बल्कि बड़ी बड़ी बातें आप करना शुरू करते हैं। जब छोटे छोटे चीजों के पाने के बारे में आप बात करेंगे कि मुझे एक छोटी सी एक नौकरी चाहिए हवलदार की, छोटी सी मुझे एक नौकरी चाहिए क्लर्क की, छोटी सी मुझे नौकरी चाहिए रेलवे की, छोटी सी एक नौकरी चाहिए RPF की, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाता, कोई आपके सपनों पर नहीं हंसता। लेकिन जैसे ही जिंदगी में आप लक्ष्मी मित्तल, टाटा अंबानी बनने के सपने आप देखना शुरू करते हैं और इन सपनों के बारे में आप अपनों से बात करना शुरू कर देते हैं, यही आपके वो अपने होते हैं जो आपके सपनों पर हंसना शुरू कर देते हैं, यही वो आपके अपने होते हैं जो आपकी खिल्लियां उड़ाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि इनकी पुश्तें हमारे सामने गुजर गई, जिस पुश्तों में आज तक किसी ने साइकिल से मोटरसाइकिल नहीं बदला, और वो खानदान का एक छोटा सा एक बच्चा कहता है मर्सिडीज कार खरीदूंगा,
पुश्तें गुजर गई इसके हमारे सामने, जो झोपड़ी से निकलकर का मकान नहीं बना पाया और वो सपना देखता है बिला और कोठियां खरीदने की। इतनी बड़ी बड़ी बातें लोगों को हजम नहीं होती। और जब हम बड़ी बड़ी बातें जब हम करना शुरू करते हैं, बड़े बड़े सपने जब हम देखना शुरू करते हैं और उन सपनों को अपनों के बीच में कहना शुरू करते हैं, तो मेरे यार ये बड़ा कड़वा सच है, हमारे अपनों को ही हमारे सपनों पर भरोसा नहीं होता। हमारे वो अपने माँ बाप जिन्होंने हमको पैदा किया, पाल पोस को जवान किया और बड़ा किया, जब हम अपने पिता से अपने उन सपनों के बारे में शेयर करते हैं, चर्चा करते हैं कि पापा देखना जिंदगी में मैं भी कभी अंबानी बनके दिखाऊंगा, तो हमारे पापा भी कहते हैं जमीन पर रह, आसमान में मत उठ। देखिए, जिस माँ बाप ने पाल पोस के पैदा किया, बड़ा किया, जवान किया, उस बाप को भी भरोसा नहीं होता कि आप अपनी जिंदगी में बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरे भी कर सकते हैं। तो मेरे यार, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, ना स्कूल, ना हमारा समाज, जो हमें हमारे सपने के बारे में बात करता है और ना उसके बारे में हमसे कोई चर्चा करता है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि जहां पर हमारे समाज में आज की तारीख में सपने देखना और उनके बारे में चर्चा जब आदमी करता है, तो जहां लोग पागल घोषित कर देते हैं उस व्यक्ति को, लेकिन आज आप लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आज हमें और आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी मिली है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के रूप में, जहां का पहला ही विषय, जहां का पहला ही पीरियड जो यहां पर आपका लगता है, वो ड्रीम साइंस के ऊपर ही होता है, स्वप्न विज्ञान के ऊपर ही होता है। जब याद कीजिए पहली बार आप फ्राइडे के ट्रेनिंग में, शुक्रवार के दिन पहली बार आप गए थे, उस 8 स्टेप सेशन में पहला वो पॉइंट, पहली वो क्लास, पहला वो पीरियड किस पर था? सपनों पर। जहां पर हर कोई आपका अपना आपसे कहता था कि बड़े ख्वाब मत देख, बड़े सपने मत देख, कभी पूरे होते नहीं है। पहली उस मीटिंग में आप जाते हैं और जाते ही आपके सामने स्टेज पर चढ़ा हुआ व्यक्ति कहता है, क्या आपके पास बड़े सपने हैं? क्या मर्सिडीज खरीदने का सपना देखते हैं? क्या विला में रहने का सपना है? आसमान पर उड़ने का सपना है? जिंदगी बड़ी बनाने का सपना है? और आप खुलकर चिल्ला कर कहते हैं यस, और सामने वाला कहता है फिर ये जगह आपके लिए। देखिए कितना अंतर है दुनिया में और आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के भीतर। बाहर की दुनिया में कोई ड्रीम साइंस के बारे में नहीं पढ़ाता, स्वप्न विज्ञान के बारे में नहीं पढ़ाता, और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की पहली ही क्लास आपके सपनों के साथ शुरू होती है। मेरे यार, सपने बड़ी गजब की चीज है। जब सपनों के ऊपर बात की जाती है तो लोग यकीन नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में सपनों के ऊपर बात करने की शुरुआत की थी। सपने कौन, क्या चीज होते हैं? हम आज में रह के आने वाले कल के बारे में जब हम बात करना शुरू करते हैं, जो आज अस्तित्व में नहीं है, हम उनके बारे में लोगों से हम चर्चा करते हैं कि आने वाले कल में ऐसा होगा, क्योंकि आज उसका अस्तित्व है ही नहीं, लोग पागल कहते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा था कि मैं एक दिन इस अंधेरे को उजाले में बदल कर रख दूंगा, अस्तित्व में उजाला था ही नहीं, लोगों ने उसको पागल घोषित कर दिया। किसी ने कहा था बिना तारों के लोगों की बात करवाऊंगा, वो आने वाले कल के सपने की बात कर रहा था, लोगों को विश्वास ही नहीं था। किसी ने कहा था एक दिन लोहे को आसमान में उड़ा के दिखाऊंगा, वो आज मैं आने वाले कल की बात कर रहा था, सारा जमाना उसको पागल कह रहा था। यकीन मानिए ये वही पागल लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े सपने देखने की शुरुआत की थी, और उनके उस बड़े सपने ने आज दुनिया के नक्शे को बदल के रख डाला है। जितने बड़े ड्रीमर हुए हैं उनके पास में उतनी ही बड़ी सक्सेस उनकी जिंदगी में उनके पास में आई है। लेकिन जब आप बड़े सपने देखना शुरू करेंगे, क्योंकि आज में रह के आने वाले कल के सपनों की बातें आप जब आप करते हैं, तो आपका समाज, आपकी दुनिया, आपके अपने आपके सपनों पर भरोसा नहीं करेंगे। आपके अपने आपके सपनों पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने किसी सपने को देखा है, किसी चीज को पाने के बारे में आपने अगर सोचा है और आपको यह विश्वास है कि उस चीज को आप हासिल कर सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अपने आपके सपनों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। एक दिन आपकी जिंदगी में ऐसा जरूर आएगा जब वो आपके अपने सपने के बारे में आपसे बात करेंगे, जब वो आपके सपनों पर विश्वास करना शुरू करेंगे। एक स्टोरी से मैं थोड़ा सा आपको मैं शेयर करता हूं। एक व्यक्ति था, एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जो अपने मौत के कगार पर था, और जाते जाते वो सोच रहा था कि अपने जवान बेटे को मैं से क्या सीख दे के जाऊं ताकि जिंदगी भर इसका आने वाला जीवन खुशहाल रहे। तो उसने अपने बच्चे को बुलाया और बोला, मेरे बच्चे, ये मेरे पास में एक घड़ी है जो तेरे दादाजी की दी हुई है, 200 साल पुरानी है, इस घड़ी को लेके जाओ। कहां? इस घड़ी को लेके जाओ और लेकर जाकर इसका भाव पता करके आओ उस घड़ी वाले की दुकान पर, ये घड़ी कितने में है। उस घड़ी को लेकर वो बच्चा दुकान पर गया, घड़ी की दुकान पर गया और लौट के आता और कहता, पापा, वो घड़ी वाला कहता है कि पुरानी घड़ी है, इसका सिर्फ मैं 100 रुपया दूंगा। उसके पिताजी ने फिर बोला, इस घड़ी को लेके जाओ किराने की दुकान पर, पता करो इसका क्या भाव है। उसका बच्चा किराने की दुकान पर गया, लौट के आया, बोले, पापा, वो किराने की दुकान वाला कहता है पुरानी घड़ी है, 20 रुपया दूंगा, इसे ज्यादा नहीं दे सकता।
उसके पिताजी ने बोला कि बेटा इस घड़ी को लेके जाओ म्यूजियम में, पता करो इसका भाव क्या है। म्यूजियम से लौटने के बाद उसका बच्चा कहता है कि पापा, म्यूजियम वाले कहते हैं ये घड़ी तो अनमोल है, करोड़ों की है। देखिए देखिए, जिस दुकान वाले को, जिस घड़ी वाले को उस घड़ी की कीमत का एहसास नहीं था, वो उस घड़ी की कीमत का अंदाजा क्या लगा सकता है। असल जो उस घड़ी की कीमत का अंदाजा जो लगाने वाले थे वो जौहरी थे, वो म्यूजियम था जो जानता था एंटीक चीजों की कीमत क्या होती है। अक्सर करके हम अपने आसपास के लोगों के बारे में, जो लोग हमारे बारे में राय कायम कर लेते हैं, अरे तुझमें कुछ भी नहीं है, तू बड़े सपने नहीं देख सकता, तू कुछ भी जिंदगी में बड़ा नहीं कर सकता, हम उनकी राय की वजह से अपनी सोच हम बना लेते हैं कि हम सच में जिंदगी में कुछ भी बड़ा करने के लिए पैदा नहीं हुए। हम उन अपने बड़े सपनों को हम मार देते हैं जो हमारे भीतर पनपते हैं, क्योंकि हमें हमारी वही कीमत समझ में आती है जो कीमत के बारे में हमारे लोग, हमारे अपने लोग हमारी कीमत को लगाते हैं। मेरे यार, आप अनमोल हो, आपको खुद को भी नहीं पता कि आपकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। जब तक आप सही जौहरियों के हाथ में नहीं आते, आपकी वैल्यू का पता नहीं चलता। लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप दुनिया में क्या कर सकते हैं, लोगों की परवाह मत, लोगों के बारे में कतई मत सोचना। आप बहुत वैल्यूएबल हैं, आपके बहुत बड़े सपने हैं, क्योंकि यदि आप लोगों के बारे में आप अगर सोचना शुरू करेंगे, लोगों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो आपको अपनी ताकत का तो एहसास कभी हो ही नहीं पाएगा। देर ना करो खुद को पहचाने में, कहीं ऐसा ना हो ये जिंदगी यूं ही बीत जाए किसी और की गुलामी करने में। ये टाइगर आपके सामने बैठा है, ये चीटा आपके सामने बैठा हुआ है, और एक दहाड़ अगर लगा दे तो इसको बांधने वाला इसके आसपास फटक भी नहीं सकता। लेकिन इस टाइगर को अपनी कीमत का एहसास ही नहीं है, इस टाइगर को अपनी वैल्यू नहीं पता कि ये जंगल का शेर बनकर पैदा हुआ है, ये जंगल में राज करने के लिए पैदा हुआ, ये राजा है, इसे पता ही नहीं। अपने सपनों को भूल चुका है, सपनों को भूल चुका है। अक्सर करके जिंदगी में लोगों के पास में डायरेक्शंस आते हैं, रास्ते आते हैं, ये सपने की शुरुआत होती कहां से है, ये सपना आदमी की जिंदगी में बनना शुरू कब से होता है। जब कोई चीज, किसी चीज को जब आप देखते हैं तो आपके मन में एक इच्छा पैदा होती है, काश ये मेरे पास में हो। जब वो इच्छा आपके मन में पैदा होती है तो धीरे धीरे उस चीज को पाने की चाहत आपके मन में पैदा होती चली जाती है। जब बार बार किसी चीज को आप देखना शुरू कर देते हैं, बार बार उसको लेकर आपके मन में इच्छा पैदा होती है, किसी कार को आप देखते हैं, कोई कार आपके बगल से गुजरती है, वो आपको पसंद आती है, उस कार को पाना आपकी इच्छा में शामिल हो जाता है, और धीरे धीरे वो कार आपकी इच्छा से चाहत में बदल जाता है। आपको सिर्फ इतना करना है, ये जो चाहत है ये बड़ा कमजोर है, ये इच्छाएं हैं जो बड़ी कमजोर हैं। सपने और इच्छाएं बड़े कमजोर होती हैं, बहुत आसानी से टूट जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने कभी टूटे नहीं, आपकी इच्छाएं कभी मिटे नहीं, तो आपको सिर्फ इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी इच्छाएं चाहत से दोबारा इच्छाओं में बदल ना जाए। अपनी चाहतों को आपको संभाल के रखना पड़ेगा। अक्सर करके लोगों के भीतर हुनर होता है, टैलेंट होता है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़े ड्रीम्स होते हैं, बड़े सपने होते हैं, लेकिन खाली सपने होने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। ताकत के साथ में आदमी के पास में एक प्लेटफॉर्म भी होना बहुत जरूरी होता है। टैलेंट इज नथिंग। कई लोगों को लगता है कि हमें बहुत हुनर है, बहुत कलाकारी है, मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं। बात आप एकदम सही कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है, सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन उन सपनों को भी दिखाने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म की होने की बहुत जरूरत होती है। टैलेंट इज नथिंग विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी। जब तक आपके पास में अपने टैलेंट को दिखाने का कोई प्लेटफॉर्म ना हो, तब तक सपनों तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिंदगी में अपने सपनों तक पहुंचने के लिए एक लक्ष्य का होना आदमी के जीवन में बहुत जरूरी है। सपने जब तक आपके लक्ष्य में नहीं बदलते हैं, तब तक उसको पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मुश्किल बन जाता है। दोस्तों, एक मैच था, फुटबॉल का एक मैच था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। मैच चल रहा था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। मैच शुरू होने से पहले ग्रीन रूम के भीतर पाकिस्तानी कोच ने अपने उन खिलाड़ियों को एक जगह बिठाकर चक दे इंडिया स्टाइल में अपने खिलाड़ियों से बोला, दोस्तों तुम्हारे पास में अगले 70 मिनट है, 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। जिंदगी में आप तूफान मचा सकते हो, कुछ भी बड़ा कर सकते हो, जिंदगी में कुछ भी, लेकिन इसे हिंदुस्तानियों से हारना नहीं है, जीत के आना है। उसने मोटिवेशन का बम बनाना लोगों को, अपने खिलाड़ियों को शुरू किया। लोग एकदम फटे जा रहे थे, मोटिवेशन से पागल हुए जा रहे थे। उधर हिंदुस्तानी कोच भी, वो ग्रीन रूम में कुछ ऐसा ही वहां का भी हाल था, वो भी अपने खिलाड़ियों को बोल रहा था दुनिया में किसी भी टीम से हार जाना, लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना, उनको बताना है कि बाप तो आखिर बाप होता है। वहां भी लोग फटे जा रहे थे, कुछ भी करने के लिए तैयार थे। खेल शुरू हुआ, फुटबॉल का मैच शुरू हुआ, एक भी खिलाड़ी कमजोर नहीं पड़ रहा था। लगातार बॉल पर बॉल, लात पर लात मारी जा रही थी, कभी फुटबॉल इधर जा रही थी, कभी फुटबॉल इधर जा रही थी। देखते ही देखते उस खेल की समय सीमा खत्म हो गई, और मालूम पड़ा
मालूम पड़ा समय सीमा खत्म होने के बाद जो स्कोर बोर्ड था दोनों ही तरफ से जीरो और जीरो ही था। तो क्यों वो जीरो था? दरअसल मेहनत तो दोनों तरफ के खिलाड़ी बराबर ही कर रहे थे, लेकिन जिस एक चीज की कमी थी वो गोल पोस्ट ही किसी को नजर नहीं, क्योंकि गोल पोस्ट ही वहां पर नहीं था। मेरे यार, हम आप कितनी भी मेहनत करें लेकिन हमारे पास अगर कोई अपना कोई लक्ष्य ना हो, कोई गोल पोस्ट ना हो कि आप जिधर लात मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं वो डायरेक्शन जाएगी कहां, आपका गोल पोस्ट क्या बनेगा? बगैर गोल पोस्ट के आदमी कहीं भी नहीं पहुंच सकता। एक बहुत ही कामयाब व्यक्ति था, एक स्टोरी से मैं आपको थोड़ा समय से थोड़ा सा क्लियर करता हूं कि आदमी की जिंदगी में ड्रीम क्या मायने रखता है। दोस्तों सच में जीवन में वाकई में बहुत बड़े गोल की जरूरत होती है आदमी के पास में। अगर जिंदगी में अगर सपने ना हो ना, बहुत बड़े सपने अगर ना हो, तो आदमी के पास में जीवन में कुछ भी बड़ा करने का कारण ही खत्म हो जाता है। एक छोटी सी एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, एक व्यक्ति के बारे में आपसे बात करता हूँ। एक रियल स्टोरी है जो मैंने कहीं मैंने सुनी हुई थी, सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी है जो मैंने जाना था सुना था। एक बहुत ही कामयाब व्यक्ति था जिसके पास में जीवन में सब कुछ था, सुंदर सी पत्नी थी, लग्जरी कार थी, खुद के प्राइवेट जेट प्लेन थे, आलीशान बंगला था, पैलेस था, जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, बहुत लग्जरी लाइफ थी। आज ये कह सकते हैं कि जिस देश के वो थे उस देश के चंद अमीरों की गिनती में उनका नाम आता था। लेकिन उन्होंने एक प्रोजेक्ट के भीतर अपनी पूरी जमा पूंजी, जिंदगी भर की कमाई, पूरी दौलत, सब कुछ उन्होंने इस प्रोजेक्ट के भीतर लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, ये सोचकर कि आने वाले कल इस इन्वेस्टमेंट से मुझे बहुत बड़ा कल को फायदा होगा। उस इन्वेस्टमेंट को उन्होंने लगा दिया, लेकिन किस्मत लगता है साथ उनका दिया नहीं। जितनी भी उनकी जमा पूंजी इन्वेस्टमेंट था, सब कुछ जो उनके पास था, घर मकान सब कुछ, उन्होंने उसे दाव पर लगा दिया था। रातों रात वो इन्वेस्टमेंट उनका डूब गया, सारी दौलत रातों रात खत्म हो गई। रातों रात किसी शहर के धनाढ्य लोगों में से, किसी दुनिया के धनाढ्य लोगों में से वो व्यक्ति सीधे जमीन पर आ चुका था। उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन में क्या करे। बड़ा दुखी, निराश, परेशान होकर वो व्यक्ति अपने घर पर आया, अपनी खूबसूरत पत्नी से बोला कि आज मेरे पास जिंदगी में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, अब जीवन में कुछ भी नहीं है, अब क्या बचा है अपने पास? तो उसकी पत्नी ने बोला कि जो घर जो हमारे पास में है, इस घर को भी आपने गिरवी रखकर उस पैसे को भी आपने इन्वेस्ट कर दिया है, अब रहने को तो अपने पास में सिर्फ एक कार बची है। तो बोला चलो कोई बात नहीं, बोला एक काम करो, जो तुम्हारे पास में सबसे अच्छी वाली जो ड्रेस है उसे पहन के आओ, शाम का वक्त था, उसे उन्होंने बोला पहन के आओ और चलो मार्केट घूमने चलेंगे। उसकी पत्नी को भरोसा ही नहीं हुआ कि एक आदमी का व्यापार जो रातों रात चौपट हो चुका है वो ऐसी कैसी बातें कर सकता है। उसकी पत्नी को लगता है कि मेरे पति को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। उन्होंने बोला सच कह रहा हूं, तुम तैयार होके आओ, बाजार चलेंगे। उसकी पत्नी को लगा कि शायद अभी अगर मैं कुछ कहूंगी तो इनका दिल टूट जाएगा। उनके दिल को रखने के लिए वो गई और तैयार होके आई। जब वो तैयार होके आई तो क्या देखती है, उसके हस्बैंड ने भी वाकई में बढ़िया सा सूट और बूट पहना हुआ था। वो निकले बाहर अपनी कार में बैठे और कार में बैठने के बाद वो बाजार की तरफ चले गए। और बाजार की तरफ जाने के बाद सबसे पहले उस देश के, उस शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी शॉप पे पहुंचे, सोने चांदी की दुकान पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से बोला, साथ में वो एक डायरी और पेन भी लेके गए थे, उन्होंने अपनी पत्नी से बोला तुमको यहाँ पर जो ज्वेलरी पसंद आती है तुम उसको छांटो। उसकी पत्नी ने बोला क्या? बोला हाँ, मैं सच कह रहा हूं, तुमको जो ज्वेलरी पसंद आती है उसको छांटो। वो मनी मन सोच रही थी कि क्या इनको ज्यादा ही गहरा आघात लगा है, इनको मालूम नहीं कि इनके पास आज कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, ये कैसी बातें कर रहे हैं। बोला मैं सच कह रहा हूं, आप छांटो, जो आपको पसंद आता है उसको पसंद करो। उसने पसंद करना शुरू किया, देखना शुरू किया, घंटों तक वो शोरूम में बैठे रहे, कई सारी ज्वेलरी उन्होंने पसंद की। फिर उनके हस्बैंड ने बोला देख लो, शायद कुछ और बाकी रह गया हो। तो बोला नहीं नहीं हो गया सब कुछ। बोला नहीं देख लो, अपने मन की कोई कसर मत छोड़ो, जो तुमको पसंद है, जो अच्छा लगता है उसको देखो, छांटो। उसने छांटना फिर से शुरू किया उनका दिल रखने के लिए। ज्वेलरी इकट्ठी हुई और वो जितनी भी ज्वेलरी को उन्होंने छांटा, तो उसकी पत्नी ने, उन्होंने उस डायरी को निकाला और उस सारे ज्वेलरी को उस डायरी के ऊपर उन्होंने नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन करने के बाद उस शॉप से निकले और उस शहर के सबसे बड़े गारमेंट शॉप पे पहुंचे, कपड़े की दुकान पहुंचे और अपनी पत्नी से बोला जो तुम्हें यहाँ पर कपड़े पसंद आते उनको छांटो, सेलेक्ट करो, पसंद करो। उसकी पत्नी ने वहां भी पसंद करना शुरू किया और जो उनको कपड़े पसंद आ रहे थे उस सारे कपड़ों को उन्होंने एक लिस्ट में शामिल किया, अपने उस डायरी के ऊपर एक एक कपड़े की लिस्ट उन्होंने बनाई, क्या क्या मेरी पत्नी को पसंद है। ऐसे करते करते जब तक बाजार खुला रहा, हर दुकान पर हर जगह वो जा जाकर अपने सपने देखते थे, उसे देखते थे और उस डायरी के ऊपर लिखते चले जाते थे। जब अंधेरा हो गया, सारा बाजार बंद हो गया, वापस वो अपने मोहल्ले में लौट के आए। उनका मोहल्ला जहां था, जहां चारों तरफ एक से बढ़कर एक मकान थे,
क्योंकि वो भी देश के सबसे धनी लोगों में से थे, तो जाहिर सी बात है कि उनके आसपास में रहने वाले लोग भी कमजोर नहीं थे, बहुत ही धनी थे, एक से बढ़कर एक मकान था। उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि यहाँ चारों तरफ एक से बढ़कर एक मकान है, अगर तुम्हें जिंदगी में अगर कोई एक मकान अगर खरीदना हो तो तुम मुझे बताओ किस मकान को तुम खरीदना चाहोगे। उसकी पत्नी की उस समय आंखों में आंसू थे, उसने बोला अगर दुनिया में अगर जीवन में अगर मुझे फिर से अगर कोई घर अगर खरीदने का मौका मिले तो मैं तो अपना ही घर खरीदना चाहूंगी, क्योंकि इससे अच्छा कोई मकान तो हो ही नहीं सकता। उसके पति ने बोला, उसे भी अपनी डायरी में लिखा, उसके पति ने बोला जानता हूं कि ये सारी चीजों को देखने के बाद तुमको लग रहा होगा कहीं तुम्हारा पति पागल तो नहीं हो गया, कहीं सदमे में तो नहीं चला गया, कहीं उसको कोमा तो नहीं लग गया, लेकिन उसने बोला कि मुझे सदमा नहीं लगा है, मुझे कोमा नहीं मिला है। आज मेरे पास इतनी दौलत थी, संपत्ति थी, वो सब कुछ मिट जरूर गया है, लेकिन आज मेरे पास ये डायरी है जिसमें आज मेरे सपने इसे डायरी पर लिखे हुए हैं। आज मुझे वो कारण मिल गया है कि किन कारणों की वजह से मुझे फिर से ज्यादा और उतनी ज्यादा मेहनत मुझे दोबारा करने की जरूरत है। मुझे मेरे मेहनत करने का कारण मुझे मिल गया, मुझे मेरे सपनों की लिस्ट मुझे मिल गई कि मुझे किसके खातिर दोबारा मुझे काम करने की जरूरत है। और दोस्तों कहा उनके इस बारे में ये भी जाता है कि कुछ सालों की मेहनत के बाद जितना कुछ उन्होंने खोया था उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने अपनी जिंदगी में हासिल कर डाला। मेरे यार, जब आपके पास में कोई कारण होता है, आपके पास कोई सपने होते हैं जिसे पाने की चाहत होती है, चाहत जिसके बिना आप जी नहीं सकते, चाहत जिसे पाना आपकी जिंदगी का अल्टीमेट गोल होता है, जब सपने आपके पास में होते हैं तो जीवन की बड़ी से बड़ी रुकावट आपके पास में छोटी पड़ जाती है। गोल, जिसका कोई गोल नहीं होता जीवन में, उसका कोई भी मोल नहीं होता। जीवन में हर आदमी के पास में गोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपने जब आप देखेंगे उन सपनों को गोल में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको यही पता ना हो कि कितने किलोमीटर आपको जाना है अपनी कार से, तो आप मुझे बताइए उस कार में कितना पेट्रोल डलवाएंगे। अगर आपको यही पता ना हो कि कितने किलोमीटर जाना है, आपकी मंजिल का दूरी कितनी दूर है, कितने किलोमीटर का सफर आपको तय करना है, मंजिल कब तक पहुंचना है, आपको पहुंचने का समय ही पता ना हो कि कब तक मुझे उस जगह तक पहुंचना है, तो आप मुझे बताइए आपकी गाड़ी किस स्पीड से चलेगी। तो मेरे यार, जीवन में जहां भी अपनी मंजिल तक पहुंचना है उसके पीछे आपका गोल, आपका लक्ष्य, आपका मकसद ही आपको वहां तक पहुंचाता है। जब तक आपके जीवन के भीतर आपके बड़े जो सपने हैं, वो सपने जब तक आप उसे गोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, गोल में आप उसे नहीं बदलेंगे, लक्ष्यों में नहीं बदलेंगे, तब तक वो आपकी जिंदगी के सपने सिर्फ और सिर्फ सपने ही बन के रह जाएंगे। सपनों की आधार है, उसका फाउंडेशन है कि आप उन सपनों को हासिल करने के खातिर गोल में कन्वर्ट करें। मैं ये नहीं कहता कि जिंदगी में बड़े सपने मत देखें, जिंदगी में बहुत बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, जितने बड़े सपने आप अपने जीवन में देख सकते हैं उतने बड़े सपने देखिए, क्योंकि सपने ही वो ईंधन है जो आपको ऊंचाई तक लेके जाएंगे, जिंदगी में बहुत बड़ा सक्सेस आपको दिलाएंगे। आपके सपने में बहुत बड़ी गाड़ी हो सकती है, रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार हो सकती है, खरीदने का ड्रीम हो सकता है, पैलेस खरीदने का ड्रीम हो सकता है, न जाने जीवन बहुत बड़े बड़े सपने हो सकते हैं, लेकिन सपनों को भी हासिल करने का एक साइंस है, ड्रीम साइंस है, एक स्वप्न विज्ञान है, कैसे उन सपनों को आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप किसी छत पर अगर आप जाना चाहते हैं किसी मकान पर, तो मकान के नीचे खड़े होकर एक पैर जमीन पर और दूसरा पैर छत पर रखकर आप नहीं जा सकते, पजामा फट सकता है, टारगेट वहां तक अचानक नहीं जा सकते। अगर आपको छत पर अगर जाना है तो छत पर जाने का बहुत ही आसान और छोटा सा एक रास्ता है, सीढ़ियों से होते हुए जाइए। आपको अगर सपनों को अगर आपको हासिल करने हैं, बड़े सपने अगर आपको अपनी जिंदगी में अगर हासिल करने हैं, तो उन बड़े सपनों को हासिल करने के लिए आपको ड्रीम साइंस की थ्योरी को आपको अपनी लाइफ में आजमाना पड़ेगा, उन सपनों को तोड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे चीजों में तोड़ना पड़ेगा। जरा सोचिए, आप अगर एक साल में खाना अगर खाना चाहते हैं तो एक साल का खाना क्या एक ही बार आप खा लेते हैं? नहीं ना, सुबह का नाश्ता अलग, दोपहर का खाना अलग, रात का खाना अलग, ऐसे खा के आप सालों का खाना सालों में खा जाते हैं। एक बार में कोई भी आदमी एक साल का खाना नहीं खा सकता। अगर आप रॉल्स रॉय कार अपनी जिंदगी में चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो रॉल्स रॉय कार आपके जीवन में नहीं आ सकता। आप अगर बड़े पैलेस में रहना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता पैलेस आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन उस पैलेस तक पहुंचने के लिए आपको छोटी छोटी सीढ़ियों से होते हुए आपको जाना पड़ेगा। उन गोल को, उन लक्ष्यों को आपको तोड़ना पड़ेगा। थ्योरी कहती है साइंस की, ड्रीम साइंस की, उसे तोड़िए, SML गोल, उन लक्ष्यों को गोल में कर, उन लक्ष्यों को तोड़िए, शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, मिडिल टर्म गोल बनाइए, लॉन्ग टर्म गोल बनाइए। शॉर्ट टर्म गोल ऐसे लक्ष्यों को इसमें लिखिए जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, आप 6 से साल भर के भीतर आप होना चाहते हैं, ऐसे छोटे छोटे सपनों को आप उसमें लिखना शुरू कीजिए, छोटे छोटे सपने। वो छोटे छोटे सपने आपके एक हजार रुपए के पेन से भी शुरू हो सकता है, आपके एक टाई से शुरू हो सकता है, आपके एक जोड़ी नए जूते के साथ शुरुआत हो सकती है, एक अच्छा से ब्लेजर से शुरुआत हो सकती है, एक अच्छी सी शर्ट के साथ शुरुआत हो सकती है,
हर वो छोटे 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 सपने जो आप पाना चाहते हैं अगले एक साल के भीतर 25 ऐसे छोटे छोटे गोल बनाइए और उस गोल को एक डायरी पर आप नोट डाउन कीजिए। उस डायरी को एक डायरी के ऊपर सारे गोल को आप नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने से आपको फायदा क्या मिलेगा, जब आप उन छोटे छोटे सपनों को आप बनाएंगे, जैसे आपने लिखा कि मुझे 1000 रुपए का पेन चाहिए, जिस दिन आप उस 1000 रुपए के पेन को आप खरीदेंगे, आप टिक लगाइए उस गोल बुक के ऊपर। आपने दूसरा कोई सपना आपने अचीव किया, उस पर आप टिक लगाइए। धीरे धीरे जिस दिन आप देखेंगे कि छोटे छोटे गोल को पूरा करते करते आपके मन में विश्वास इस बात को लेकर कि सपने देखने से सपने पूरे होते हैं, वो आपके मन में बैठ जाएगी। जब छोटे छोटे गोल को हासिल करने की कलाकारी आपके भीतर बढ़ेगी, जब छोटे छोटे सपने आप हासिल करना आप शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आपको खुद को पता ही नहीं चलेगा कि कब छोटे छोटे सपने हासिल करते करते आप बड़े सपने हासिल करने वाले लक्ष्य तक आप पहुंच जाएंगे। और जब आप छोटे छोटे सपने आप देखते ही रहिए, छोटे छोटे सपनों को पाने की लिस्ट बनाते ही रहिए। आम आदमी के बारे में कहा क्या जाता है, वो आदमी को जब कहो कि सपना देखने के लिए, BMW ऑडी से नीचे वो उतरता ही नहीं, इससे नीचे का वो सपना ही नहीं देखता। ना जिंदगी में कभी वो छोटी सी मोटरसाइकिल तक पहुंच पाता है, ना कभी छोटी सी कार तक पहुंच पाता है, और मर्सिडीज और ऑडी मरने के बाद भी सिर्फ उसके सपनों में ही रह जाती है। अगर आपको अपने सपनों तक पहुंचना है तो सबसे पहले उन सपनों को तोड़िए, छोटे छोटे सपने बनाइए। छोटे छोटे सपने बनाकर उन्हें आप हासिल करते चले जाएंगे। सपने बनाकर, सपने देखकर हासिल किए जाते हैं, एक विचार आपके मन में बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अचानक से अगर आप बड़ा गोल बनाएंगे, बड़ी चीज को पाने के बारे में सोचेंगे, और जब वो बड़ी चीज नहीं आएगी हाथ में, तो आप वही बड़े बुजुर्गों की बातें याद करना शुरू कर देंगे। कहा था ना, सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते। लेकिन जब आप छोटे छोटे सपने बनाना शुरू करेंगे और उन्हें हासिल करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे छोटे छोटे सपने हासिल करते 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 आपके भीतर का विश्वास लगातार जागता चला जाएगा, नहीं नहीं सपने देखने से सपने पूरे होते हैं, क्योंकि आपने सचमुच में अपनी जिंदगी में उससे पहले ढेर सारे छोटे छोटे सपने आपने देखे थे और उसे हासिल किए। शुरुआत में आपके सपनों के साथ में आपका नजरिया बहुत छोटा होगा, शुरुआत में आपके सपनों के साथ वो नजरिया बहुत छोटा होगा, अचानक से कोई बड़ी कार नहीं आएगी। मुझे आज भी याद है कि मैंने पर लेवल पर, जब मैंने अपनी पहली मैंने जीवन की मैंने कार खरीदी थी, पर लेवल पर सिर्फ 4 लाख की थी, Hyundai की ईयॉन, सिर्फ 4 लाख की। वो उस समय वो 4 लाख की Hyundai की ईयॉन कार, सच कहूं ना, मेरे सपनों से भी बहुत बड़ा मुझे लगता था। वजह जब आदमी की सोच बहुत छोटी होती है ना, तो उसके लिए चीजें बहुत बड़ी दिखती है, और जब आदमी की सोच बड़ी हो जाती है तो उसके लिए चीजें बहुत छोटी नजर आने लग जाती है। और उस समय पर लेवल पर मेरी सोच, मेरे घर के भीतर साइकिल के बाद मोटरसाइकिल भी नहीं थी, और जब अचानक 4 लाख रुपए की ईयॉन कार आ गई, मतलब मोटरसाइकिल भी नहीं, सीधे ईयॉन कार आ गई, तो मेरी सोच के सामने, मेरे ड्रीम के आगे वो बहुत बड़ा ड्रीम था। जब आपकी सोच छोटी होती तो चीजें आपको बहुत बड़ी लगती है। मुझे उस समय वो कार बहुत बड़ी कार लगती थी, बहुत बड़ी कार, इतनी बड़ी कार जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जब मैं डायमंड था, डबल डायमंड लेवल पे था, मुझे मेरी अप्लाई ने मुझे बोला कि जाओ ऑडी Q3 बुक करना है। मैंने आगे देखा नहीं, पीछे देखा नहीं, ऑडी कार बुक करने के लिए सीधे निकल पड़ा और पहुंच गया दिल्ली के शोरूम में। मैं और राकेश प्रशासक, मेरे कोच, मेरी आइडियल, मेरी अप्लाई, उनके साथ में पहुंच गया उनकी ऑडी Q3 में बैठकर। उनकी ऑडी Q3 में गया और Q3 मैंने बुक कर लिया। सच कहूं ना, उस समय मेरे दिमाग में जरा सा भी ये विचार नहीं था कि मैं ऑडी Q3 नहीं खरीद सकता। जब आपकी सोच बड़ी हो जाती है तो चीजें आपको छोटी लगने लगती है। डबल डायमंड पर जहां पर आमदनी लाखों की हो, तो आदमी की सोच अपने आप बड़ी बन जाती है। उस ऑडी Q3 के लायक मेरी सोच बन गई थी, उस ऑडी Q3 को मैं खरीद सकता था, ये मेरे दिमाग ने कबूल करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद का किस्सा बताता हूं। मैं और राकेश जी उसी शोरूम से निकलकर थोड़ा ही दूर आगे जाकर रॉल्स रॉय कार का शोरूम था। थोड़ा ही दूर आगे निकल के रॉल्स रॉय कार के शोरूम के बाहर हम और राकेश जी दोनों ऑडी Q3 में बैठे हुए हैं। 50 लाख की गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, लेकिन हम दोनों में से किसी का दिल ये हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उस ऑडी Q3 के दरवाजे को खोले और रॉल्स रॉय के शोरूम में घुसकर कम से कम उसके साथ एक फोटो भी खिंचवा के आए। क्योंकि 5 करोड़ की गाड़ी के सामने सोच उस समय छोटी थी और वो सपना बहुत बड़ा लग रहा था। ऑडी हमारे लिए बराबर की थी, लेकिन वो रॉल्स रॉय बहुत बड़ी लग रही थी। तो मेरे यार, जब आपके सपने बड़े हो जाते हैं, आपकी सोच बड़ी हो जाती है, तब चीजें छोटी लगनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जिन चीजों पर आपका दिमाग ये कबूल कर सकता है कि आप इन चीजों को हासिल कर सकते हैं, अचानक से अगर आप सपना देखना शुरू करेंगे कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, रात रात मर्सिडीज आपके दिमाग में नहीं आएगी, हाथ में नहीं आएगी, आपका दिल टूट जाएगा। लेकिन एक छोटी सी चीज, एक मोटरसाइकिल चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, एक बाइक चाहिए, एक स्कूटी चाहिए, छोटे से सपने के बारे में सोचना शुरू करेंगे, वो हासिल हो जाएगा। स्कूटी आएगी तो दिमाग क्या कहेगा, ऑल्टो भी खरीद सकते हैं, ऑल्टो का गोल लगाएंगे, मिडिल टर्म गोल, 2 से 3 साल वाला गोल,
और जब वो 2 से 3 साल वाला गोल आप हासिल करना शुरू कर देंगे तो आपका दिमाग ये कबूल करना शुरू करेगा, ऑल्टो आ सकती है तो ऑडी भी आ सकती है। आप गोल लगाएंगे लॉन्ग टर्म ड्रीम में, एक दिन आपकी जिंदगी में वो ऑडी भी आ जाएगी। अपने सपनों की कार तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो पहुंचना आपको वो स्कूटी से ही पड़ेगा, वो अपनी बाइक से ही पहुंचना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, मिडिल टर्म गोल बनाइए, लॉन्ग टर्म गोल बनाइए, लक्ष्य हमेशा स्मार्ट बनाइए। एक टेक्निक है कैसा आपका लक्ष्य होना चाहिए, स्मार्ट फॉर्मूले को आप अपने जीवन में उतारिए। स्पेसिफिक होना चाहिए, स्मार्ट, SMART, स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक और टी फॉर टाइम बाउंड। स्पेसिफिक, आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं प्रॉपर बताइए। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं, कितना, 10 ग्राम, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, कितना? अगर आप कहते हैं कि अपना वजन कम करना चाहता हूं तो ये स्पेसिफिक नहीं है, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक प्रॉपर बताइए क्या, मेजरेबल, एम फॉर मेजरेबल, कि मैं दौलत वाला आदमी बनना चाहता हूं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, बहुत धनी बनना चाहता हूं, कितना धनी बनना चाहते हैं आपके हिसाब से अमीर की परिभाषा क्या है? 1 लाख मिल जाए तो अमीरी आ जाएगी, 1 करोड़ मिल जाए तो अमीरी आ जाएगी, या 100 करोड़ आपको मिल जाए तो अमीरी आ जाएगी। परिभाषा हर आदमी के लिए जीवन में अलग अलग है। कितना चाहिए, कितने वाला अमीर आप बनना चाहते हैं, मेजरेबल, जिसको नापा जा सके, कितना चाहिए, अचीवेबल, ऐसे सपने को आप बनाइए जिसको सचमुच में हासिल किया जा सकता है। ऐसे सपने को तुरंत देखने की कोशिश मत कीजिए। जैसे शॉर्ट टर्म गोल में अगर आप आज ही सपना देखना शुरू करेंगे कि मुझे मर्सिडीज अगले 2 महीने में चाहिए, ये नहीं आएगी। रियलिस्टिक है, हासिल किया जा सकता है, आ सकता है, दुनिया में लोगों के पास में है, लेकिन फिर भी आपके पास में नहीं आएगा। वजह, अभी इसे हासिल नहीं किया जा सकता। अचीवेबल, ऐसे गोल बनाइए जिस पर आपका दिल खुद ही आपसे कहे हाँ इसे हासिल कर सकते हैं। आप ड्रीम बनाते हैं, मुझे 5,000 का पेन चाहिए। 5,000 बहुत बड़ी रकम नहीं, आपने मेहनत किया, काम किया, 10 लोगों को ज्वाइन करवाया, 200 बीबी के साथ में आपके पास इनकम आ गई, बड़े आराम से 5,000 का पेन आप खरीद सकते हैं। रियलिस्टिक, अचीवेबल है, रियलिस्टिक होने चाहिए सपने। कैसे होने चाहिए, आर फॉर रियलिस्टिक। अगर कोई कहता है मुझे तो चांद चाहिए, मेरे यार ये रियलिस्टिक नहीं है, उसके लिए रॉकेट खरीदना पड़ेगा, लंबा समय लगाना पड़ेगा, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। रियलिस्टिक, जिस जो सच में इस दुनिया में हो, जिसे पाया जा सकता है, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, कब तक वो आपको चाहिए, कब तक वो आपको चाहिए, एक टाइम फ्रेम के भीतर, एक डेडलाइन के भीतर। मैं कार खरीदना चाहता हूं बलेनो इस मॉडल की, इस शोरूम तक, इस डेट में मेरे को एक कार चाहिए, डेडलाइन। जब तक आपके सपनों के कोई एक डेडलाइन नहीं होगी तब तक वो चीजें आपकी जिंदगी में आपके पास में नहीं आ सकती। जब आप अपने गोल को स्मार्ट टेक्निक के साथ में अरेंज कर लेंगे कि क्या क्या आपको अपनी जिंदगी में चाहिए, प्रायोरिटी के साथ उसको सेट कीजिए, छोटी छोटी चीजों को हासिल करने से शुरुआत कीजिए, छोटी छोटी चीजें आपके पास में आती चली जाएंगी, छोटी से फिर और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी, और देखते ही देखते आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब छोटी छोटी चीजों को हासिल करते 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 आप बड़ी चीजों तक आप पहुंच जाएंगे। सपने को हासिल करने का यही तरीका है, बड़े सपने को हासिल करने का यही तरीका, बड़ा ड्रीम देखो लेकिन शुरुआत छोटे से करने की शुरुआत करो, और देखिए आपके ड्रीम कैसे पूरे होना शुरू होते हैं। अगर आप अपने सपनों में आग लगाना चाहते हैं, चिंगारी भरना चाहते हैं, तो मैं एक टेक्निक आपको बताता हूं, स्पार्क टेक्निक। क्या वो टेक्निक आपसे कहती है? एस फॉर स्पोकन योर ड्रीम, कि जिस सपने को आपने देखा है ना, चिल्ला चिल्ला के बताओ, मम्मी को बताओ, पापा को बताओ, भैया को बताओ, पड़ोसी को बताओ, दोस्त को बताओ, सब अपने रिश्तेदारों को बताओ, चिल्ला चिल्ला के बताओ। पे फॉर पेस्ट, जिन सपनों को आपने देखा है ना, उन सपनों को एक कागज पे लिखो, जहां जहां लगाओ, फ्रिज पे लगाओ, एसी पे लगाओ, टीवी पे लगाओ, अलमारी पे लगाओ, जहां जहां आपकी नजर जाती है ना, अरे मैं कहता हूं बाथरूम में बैठ के जहां पर सामने की दीवार आप देखते हो ना, वहां भी लगाओ, कि 5 मिनट अगर आप ऊपर बैठे तो वहां भी आपका सपना आपका पीछा कर रहा है, हर जगह चिपकाओ, ताकि आप अपना सपना भूल ना जाओ। ए फॉर अनाउंस, कि जब भी आप किसी बड़ी मीटिंग्स में अगर आप जाते हैं, किसी मीटिंग में अगर आपको टेस्टिमनी देने का मौका मिलता है, तो क्या आप आने वाले कल में हासिल करने वाले हैं, कब तक उसे हासिल करने वाले हैं, उसका अनाउंसमेंट करो, लोगों को बताओ, बड़े मन से खुलकर बताओ। क्योंकि जब आप लोगों को बताना शुरू करते हैं ना, तो उस सपने के साथ में डर शामिल हो जाता है कि अगर मैंने उस चीज को अगर हासिल नहीं की तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, तो लोग मुझ पर ना हंसे, लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं। इस डर की वजह से आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आप उस ड्रीम के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। आर फॉर रीड लाउडली, उन सपनों की जो लिस्ट आपने बनाई है ना, उन सपनों की लिस्ट को आप रोज पढ़िए, रोज पढ़िए, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जब जब मौका मिलता है उसको रोज पढ़िए। के फॉर कीप ऑलवेज, हमेशा अपने पास में उन सपनों को रखिए, एक कागज पर या एक डायरी पर, छोटी सी पॉकेट डायरी पर, अपने पॉकेट में हमेशा रखिए, अपने मोबाइल के ऊपर रखिए, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आप उसे लगा के रखिए,
लैपटॉप पे लगा के रखिए, हमेशा अपने पर्स में रखिए, चारों तरफ लगा के रखिए। क्यों? ताकि आप अपने इन सपनों को भूल ना जाए। बिलीव कीजिए, ये स्पार्क टेक्निक अगर आपने फॉलो की तो बहुत बड़े सपनों की बुनियाद ये टेक्निक आपके लिए बन सकती है। दूसरी चीज दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि अक्सर लोग पैसा कमाने के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पैसा खुशी आप खुशी नहीं देता, पैसा खुशी नहीं देता है, पैसे से खरीदी गई चीजें ही आपको खुशियां देती। कई बार हम इस बिजनेस के भीतर देखते हैं कि लोग यहां पर काम करने की शुरुआत करते हैं, सिल्वर बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, पर्ल बन जाते हैं। अब कोई व्यक्ति गोल्ड बना तो जाहिर सी बात है 70-80 हजार लाख रुपए तक उस व्यक्ति ने कमाया होगा। अब अगर उस गोल्ड से अगर पूछो ना कि इस लाख रुपए से आपने क्या किया, तो बोलो कुछ भी नहीं। इस बिजनेस के भीतर जो व्यक्ति शुरुआत में यहां से कमाए गए पैसे को अगर नमक मिर्च मसाला धनिया पाउडर में अगर घुसा देता है, तो बिलीव करो वो जिंदगी में कभी भी बड़े सपनों तक नहीं पहुंच सकता। अगर आपको बड़े सपने तक अगर पहुंचना है तो आपको उस पैसे से खुशियां खरीदने के बारे में सोचना पड़ेगा। पैसे से जो चीजें आप खरीदते हैं ना, खुशियां उनसे मिलती है। मुझे आज भी याद है कि जब पहली बार 1 महीने की मेरी इनकम जो मेरे पास में सेफ शॉप में आई थी, उस पहली इनकम को लेकर मैं आगरा के एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान के पास दुकान पर गया था, और मैंने वहां पर एक वॉशिंग मशीन खरीदा था, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को देखता था कि हाथों से थी, मुझे बड़ा बुरा लगता था। अपने उस 1 महीने की आमदनी को लेकर उस वॉशिंग मशीन खरीदने वाली दुकान पर गया था, मैंने उसको दिया, ज्यादा का नहीं था, 8,500-9,000 के करीब का था, सेमी ऑटोमेटिक, बहुत मामूली सा एक वॉशिंग मशीन, लेकिन सच को उस समय मेरे घर के लिए वो बहुत बड़ा था, क्योंकि उस समय सोच बहुत छोटी थी, तो वो 8,000 का वॉशिंग मशीन भी मेरे लिए बहुत बड़ा लगता था। आज 1.5 लाख का अगर वॉशिंग मशीन अगर हो ना, तो 1.5 लाख का वॉशिंग मशीन मेरे लिए बहुत छोटा लगता है। क्यों? आज सोच बड़ी है तो उसके सामने चीजें बहुत छोटी लगती है। तो उस समय वो 8,500 का वॉशिंग मशीन भी बहुत बड़ा लगता था, लेकिन उसको मैंने खरीदा और उसको मैंने बोला कि भाई इसको मेरे घर पर डिलीवर करना, वहां पर अपना घर का पता मैं दे के आया था। उसने मुझे बोला था कि शाम तक डिलीवरी होगी, मैं दोबारा फील्ड में निकल गया प्लान दिखाने के लिए कि शाम को आएगा मैं रिसीव कर लूंगा, और मालूम पड़ा गलती से मेरे घर पर वो व्यक्ति मेरे पापा जी का नाम, क्योंकि मुझे तो मेरे मोहल्ले में मेरे नाम से कोई जानता भी नहीं था, मेरे पिताजी के नाम से ढूंढते हुए व्यक्ति पहुंचा और उसने दरवाजे पर खटखटाया तो मेरी मम्मी ही सामने आ गई, मेरी माँ सामने आ गई, और उन्होंने बोला कि जी आपका कोई सामान आया है। मेरी मम्मी ने बोला अरे हमारा कोई सामान नहीं, हमने कुछ भी नहीं मंगाया। बोला नहीं नहीं, उन्होंने मेरे पिताजी का नाम लिया, बोला यही नाम के रहते ना यहाँ पर। बोला हाँ। बोला ना उन्होंने नहीं मंगाया, उन्होंने मुझे फोन किया कि देख बेटा कोई आया है, ये सामान यहाँ पर छोड़ रहा है, कह रहा है कि आप ही का है। बोला अरे किसी का भी हो रख लो, रखने में क्या जाता है। बोला अरे किसी और की चीज हम कैसे रख सकते हैं। बोला नहीं नहीं रख लो, देखा जाएगा सो होगा। उसे उतरवा के रख लिया गया। मैं प्लान खत्म करके आगे का मैंने सारा कार्यक्रम छोड़ा, मैं घर पर आया, मैंने देखा एक बड़ा सा कार्टून रखा था, मैंने इसमें क्या है। मम्मी ने बोला पता नहीं क्या है, लेकिन जैसे उतार के गए वैसे रखा हुआ है। मैंने खोलो, मम्मी ने बोला तेरा दिमाग खराब है क्या, किसी और की चीज तो खोल देगा बाद में वो क्या कहेगा। मैंने कह रहे जो कहेगा सो कहेगा, अभी तो पहले देख लेते हैं इसके भीतर क्या। सच कहो ना, उस कवर को जब मैंने खोला था ना, मम्मी ने देखा रही तो वॉशिंग मशीन है। बोले ये हमारे घर में क्यों आई, ये तो किसी और की चीज है, बताओ किसका फोन नंबर लिखा, उसको फोन कर वो लेके जाएगा। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी किसी और को फोन करने की जरूरत नहीं है, ये आप ही का है, आपके बेटे ने आपके लिए लिया है। अंदाजा नहीं लगा सकते उस माँ की खुशियों का। कितने की थी? सिर्फ 8,500 की। 8,500 में उस समय जो मेरी माँ के चेहरे पर जो खुशी थी ना, यू कांट रीड, आप पढ़ नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते। मेरे यार पैसा खुशी नहीं देता, पैसे से जिन चीजों को आप खरीदते हैं ना, वो चीजें आपको खुशियां देती। अक्सर करके लोग काम करते 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 पर्ल बन जाते हैं, ढाई लाख कमा लेते हैं, टोपास बन जाते हैं, 6 लाख कमा लेते हैं, 5 लाख कमा लेते हैं, लेकिन उनसे पूछो ना कि 5 लाख कमाने के बाद आपके घर में फ्रिज आया क्या, बोला ना वॉशिंग मशीन आया क्या, बोला ना सोफा बदला क्या, बोला ना बेड आया क्या, बोला ना अलमारी आई क्या, बोला ना टीवी आया क्या, बोला ना तो क्या किया 6 लाख का। बोले पता नहीं साहब। बोला तूने कमाया कि नहीं। बोला हाँ कमाया ना, तो गया कहाँ मालूम नहीं। क्यों मालूम नहीं है? मैं आपको बताऊं इसका कारण क्यों मालूम नहीं, क्योंकि हम अपने टीम को क्या बोलते हैं कि ड्रीम बनाओ, सपने बनाओ। हम सिर्फ बोलते हैं और सामने वाला भी क्या करता है, सिर्फ बोलता है। वो जो पैसा वो व्यक्ति कमा रहा है ना, उस पैसे का वो करेगा क्या, ये समझाने वाला कोई नहीं आता। लेकिन मेरे भाई आप इस बिजनेस के भीतर अगर एक बहुत मुद्दे की और बड़ी जानदार बात अगर मैं बताऊं ना, आपकी टीम में जो आपका सिल्वर है, ये हर पर्ल लीडर के लीडर को मैं मैसेज में दे सकता हूं। हर पर्ल लीडर इस बारे में सोचे जो आपके साथ आज आपका टीम का साथी है ना, जो सिल्वर है, सिल्वर स्टार है, गोल्ड है, उसको नहीं पता कि इसके कमाए हुए पैसे का मुझे कैसे इस्तेमाल करना है। अगर उसे इतना ही पता होता ना, तो पहले से वो करोड़पति होता। अगर उसको सही सपने की समझ अगर होती और सपने के साथ उस पैसे को सही तरीके से उसका इस्तेमाल करने की कलाकारी अगर होती, तो आज वो मरी नहीं होता। उसको नहीं पता,
लेकिन ये आपको तो पता है ना, आप तो जानते हैं ना, आपका ये काम है कि वो सिल्वर बन रहा है, वो काम कर रहा है, आप उसको प्लान देना सिखा रहे हैं, फॉलोअप करना सिखा रहे हैं, वो सारी बेसिक चीजें कर रहा है, उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, पैसा जरूर उसकी मेहनत की वजह से आ रहा है, पैसा जरूर उसके अकाउंट में जा रहा है, लेकिन खर्च उसके हिसाब से नहीं, बल्कि वो आपके हिसाब से होना चाहिए। वो अगले महीने, अगले दो महीने बाद क्या अपने घर में नई चीज खरीदने वाला है, प्रोग्रामिंग करो, मुझे बताओ आप क्या दो महीने में खरीदने वाले हो। सर मैं सोच रहा था मेरे घर में वॉशिंग मशीन की जरूरत है, ठीक है, गोल लगाओ, मार्केट चलते हैं, देखते हैं कौन सा वॉशिंग मशीन चाहिए, जाओ ना उसको देखो ना, वॉशिंग मशीन देखो, पसंद करके आओ, लगाओ कि यार ये 12,000 का वॉशिंग मशीन है, घर में खरीद के देना है, 12,000 के आदमी काम करेगा, पैसा कमाएगा, खरीद के लाएगा। आप जानते हैं एक बड़ी बात बताता हूं, लोग पर्ल बन जाते हैं, पर्ल रातों रात कोई नहीं बनता, साल डेढ़ साल किसी आदमी को पर्ल बनने में लग जाता है, टोपाज बनने में लग जाता है, टोपाज बन गया सामने वाला, साल डेढ़ साल की मेहनत करने वाले करने के बाद, अगर उसके घर में कोई उसके पिताजी से जाके जब पूछता है ना, और भाई साहब आपका बेटा आजकल बड़ा टाई सूट पहन के घूम रहा है, क्या करता है? अरे कुछ नहीं करता, नालायक है, गधा है, रोज बैग उठा के घूमता रहता है, पता ही नहीं चलता क्या करता है। मालूम है वो उसका पिता ऐसा क्यों बोल रहा है? कि उस डेढ़ साल में जो बेड पहले था वही आज भी खटिया पे सो रहा है, वही जमीन पे चटाई लगा के बैठ रहा है, और वही मोटे पेट वाला टीवी देख देख के जिंदगी को गुजारा है, जिसने मेहनत करके खरीदा था, वही आज भी साइकिल घर में, उसने उसी पैसे से छोटी छोटी चीजें अपने घर में अगर खरीदी होती, कितना लगता है मेरे भाई, एक टीवी खरीदने में, एक बेड खरीदने में, एक सोफा खरीदने में, एक अलमारी खरीदने में, एक वॉशिंग मशीन खरीदने में कितना लगता है? लाख डेढ़ लाख कमा के आपने अगर घर में अगर डाल दिया ना, और उसके बाद अगर आपके पप्पा के पास आके आपके किसी ने पूछा ना कि भाई साहब आपका बेटा क्या कर रहा है, अरे पूछो मत साहब, बड़ा जबरदस्त वाला काम करता है, देखो पूरा घर भर दिया। आपके पिताजी प्रोस्पेक्टिंग कर करके ढेर सारे गेस्टों को देने की शुरुआत कर देंगे। मेरे यार आप अपने टीम के साथियों को बेसिक चीजें तो करना सिखा रहे हैं, प्लान देना, फॉलोअप करना, FIM करना, लेकिन वो जो पैसा जो व्यक्ति कमा रहा है ना, उसका फाइनेंशियल एडवाइजर कौन बनेगा? आपको अपनी टीम का फाइनेंशियल एडवाइजर बनना पड़ेगा, आपको उसको बताना पड़ेगा कि उस पैसे का इस्तेमाल वो कैसे करे, नहीं तो वो डायमंड बन जाएगा, और डायमंड बनने के बाद अचीवमेंट के नाम पे उसके पास कुछ भी नहीं होगा, और उससे पूछोगे भाई डायमंड बन गया? बोला बन गया साहब। बोला पैसा कमाया? बोला कमाया साहब। बोला क्या किया? बोले पता नहीं साहब, अधिक तो कुछ भी नहीं रहा है, नजर कुछ भी नहीं आएगा। वजह क्या है ना, उसके पास सपने की कमी है, सपनों को उसने लिखा नहीं, किसी ने उसको सही तरीके से बताया नहीं, तो सिर्फ बताओ मत, इस स्टेज से चल के चिल्लाओ मत, बल्कि उसके साथी बनो, उसकी प्लानिंग करो, आने वाले कल में उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए उसको समझाओ, उसको बताओ। मेरे यार जब बिजनेस करना आप शुरू करते हैं ना, तो आपकी जिंदगी में अक्सर करके अच्छे और बुरे दोनों तरह के समय आते हैं। कई बार जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, अपने सपनों के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब सपने हमें मिलते नहीं है, मन मायूस हो जाता है, टूट जाता है। घबराना मत। मैं भी दोस्तों अगर बात करूंगा कि शुरुआत में जब मैंने भी इसे करना मैंने शुरू किया था, शुरू के साढ़े तीन साल, ऐसा कोई संडे का सेमिनार नहीं था जो मैं अटेंड नहीं करता था, ऐसा कोई फ्राइडे की ट्रेनिंग नहीं थी जो मैंने अटेंड नहीं की, ऐसी कोई ग्रुप मीटिंग, ऐसा कोई फंक्शन, ऐसा कोई डायमंड सेलिब्रेशन, चाहे टिकट कुछ भी हो, अटेंड करनी है तो करनी है। मैंने हर मीटिंग, हर प्रोग्राम को अटेंड किया, साढ़े तीन साल सिल्वर भी नहीं बना, साढ़े तीन साल। वजह, मैं सिर्फ सीखने में लगा पड़ा था, प्लान, फॉलोअप, ट्रेनिंग, मीटिंग, लेकिन कभी भी उन सीखी हुई चीजों को अपनी लाइफ में कभी उतार ही नहीं रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यार इतनी सारी चीजें मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूं, साढ़े तीन साल मेहनत करने के बाद भी मैं सिल्वर ही क्यों बना रह गया। आप यकीन नहीं करेंगे, उन साढ़े तीन साल की मेहनत करने के बाद मैंने अपनी जिंदगी में सोच लिया था कि अजय अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब जिंदगी में तो कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने साढ़े तीन साल मेहनत करने के बाद सिल्वर बनकर इस बिजनेस को छोड़ दिया था। मैंने ये मान लिया था कि होंगे दूसरे लोग जो सेफ शॉप में डायमंड बनते होंगे, मेरी जिंदगी में डायमंड बनना शायद लिखा ही नहीं है, भगवान ने कहीं लिखा ही नहीं, मैं डायमंड बन नहीं सकता। मैं छोड़ चुका था, लेकिन मेरी किस्मत वहां पर बहुत अच्छी थी कि जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस के बारे में समझाया बताया था, जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था, मेरे पड़ोस में रहते थे, लगातार काम करने की वजह से वो डायमंड बन गए। जब उनको मैंने डायमंड बना हुआ देखा तो मुझे जिंदगी में फिर से एक स्पार्क मिला कि यार एक आदमी, एक मामूली सा एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में अपने सपनों को इतना पूरा कर सकता है, इतनी बड़ी जिंदगी बना सकता है, डायमंड बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। साढ़े आठ साल पहले इस बिजनेस को मैंने फिर से दोबारा शुरू किया और फिर से उस अप्लाई से मैंने कमिटमेंट किया कि सर आप जो बोलोगे सो करूंगा, आप जैसा कहोगे सो करूंगा। क्योंकि शुरुआत की स्टेज में होता क्या था, उन साढ़े तीन साल में मैं अप्लाई से समझता कम था और अप्लाई को समझाता बहुत ज्यादा था।
कई सारे लोगों में ये बीमारी होती है, अपनी जिंदगी में सपने तो पूरा करना चाहते हैं लेकिन तो अपने अपलाइन से समझने की जगह समझाने की फिराक में लग जाते हैं। मेरे भाई एक बात बताओ ठीक से जरा सोच के, आप ही अगर अपने अपलाइन को अगर समझाओगे कि उसे क्या करना है तो उसका अपलाइन क्या करेगा, घंटा बजाएगा। मेरे भाई उसके अपलाइन को उसका वाला काम करने दो, आपका काम सिर्फ उनसे समझना है, उनसे जानना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। अपलाइन को समझाने की कोशिश मत करो। मैंने ये भयंकर वाली गलती की थी, अपने अपलाइन को खूब समझाया, नहीं समझने वाला यहां रह गया, नहीं समझने वाला देखो कहां चला गया, और समझना जो मैं समझता था मैं बहुत समझदार हूं मैं कहां रह गया। दोबारा जब आज से 8.5 साल पहले मैं दोबारा उनके पास में गया जब वो डायमंड बन चुके थे, मैंने उनसे बोला कि सर मुझे भी डायमंड बनना है, आगे बढ़ना है, तो उन्होंने छूटते ही जानते हैं कौन सा वाला सवाल मुझसे किया। बेटा सोच ले, समझेगा कि समझाएगा। उस समय दोस्तों मैंने अपने अप्लाई से बोला था कि सर आप जो बोलोगे आपकी बात को मानूंगा, अगर आपकी बात को जिस दिन मैं ना मानूं ना गोली से उड़ा देना, मेरे घर से कोई FIR करने वाला भी नहीं आएगा। दैट्स माय वर्ड, ये मेरे शब्द थे। और उस दिन के दिन से मैंने कभी दोबारा जो उन्होंने बोला ऐसा कभी आया ही समय नहीं कि मैंने नहीं माना। वजह क्या थी, मैं सच में अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करना चाहता था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। उन सपनों को हासिल करने के खातिर मुझे लग रहा था कि अगर यहां से मैं डायमंड बन गया तो जिंदगी के बड़े से बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। 2 साल पढ़ाई करने के बाद उस इंजीनियरिंग को छोड़ आया, किस खातिर, शायद यहां सपने पूरे हो जाएंगे, कुछ भी नहीं मिला 3.5 सालों में। और अपलाइन की सक्सेस ने दिखा दिया कि अगर यहां पर अगर आदमी डायमंड बने तो जीवन में कितना कुछ आदमी के पास मिल सकता है। तो मेरे यार फिक्र मत करना, आज मैं नहीं जानता कि आप में से कितने सारे लोगों का बिजनेस खराब चल रहा है, आज मैं नहीं जानता कि आप में से कितने सारे लोगों के साथ क्या हो सकता है। आज से 8.5 साल पहले मैंने दोबारा सेफ शॉप बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया एक नई आईडी के साथ, ना मेरा कोई लेफ्ट में था ना मेरा कोई राइट में था। और इन 8.5 सालों में आज अपने गुरुजनों के आशीर्वाद की वजह से आज क्राउन बनकर आप लोगों के सामने हूं और आज मैं आप लोगों के बीच में बात कर पा रहा हूं। हर किसी व्यक्ति का टाइम आता है, आपका भी टाइम आएगा, ईश्वर गवाह है। इस पेड़ के डालियों में एक ही शाख के साथ 2 फल हैं, एक पक चुका है, एक का नंबर आ चुका है, दूसरे का नंबर नहीं आया। उस परमात्मा ने हर किसी व्यक्ति के लिए, हर किसी के लिए एक वक्त चुना हुआ है। हो सकता है आज आपका टाइम नहीं, लेकिन एक बात तो विश्वास करना कि उस परमात्मा ने हर किसी व्यक्ति का समय निश्चित किया हुआ है। आपके भी सपने जरूर पूरे होंगे, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, हालात चाहे कुछ भी हो, अपने सपनों को मत छोड़ना। जिन सपनों के साथ आपने ये बिजनेस करने की शुरुआत की थी, याद करना वो दिन जब जब आपके मन में इरादा आए, यार बहुत हो गया, कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे, जब जब आपके मन में इरादा आया ना इस बिजनेस को छोड़ देने का, जब जब आपके मन में इरादा आया ना कि अब कुछ हो नहीं सकता, कुछ लगता नहीं है, उस दिन आप याद कर लेना खाली आपने इसे शुरू किस लिए किया था, आपका कारण क्या था, आपकी वजह क्या थी। दोबारा से कुछ करने का कारण आपको अपनी जिंदगी मिल जाएगा, छोड़ना मत। दोस्तों ये कुछ बहुत बड़े ड्रीमर्स थे जिनकी संगत में मुझे आने का मौका मिला। मैं क्या बात मैं करूं श्री राजीव चतुर्वेदी सर के बारे में, श्री संजय जैन सर के बारे में, श्री ओम प्रकाश सर के बारे में, श्री नरसिंह ग्रेवाल सर के बारे में। ये वो महान हस्तियां थी ना कि जिनको तो मैं सिर्फ मंच पर ही देख पाता था, और आज तक अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ उनको मैं सिर्फ मंच पर ही मैं देख पाया। ये वो लोग हैं ना जिनको तो सिर्फ मंदिर में सजाकर सिर्फ पूजा की जाती है। ये वो अपलाइन है, ये वो गुरु है जिनको मैंने सिर्फ स्टेज के माध्यम से मैंने सुना, और इनकी बातों ने मेरी जिंदगी के भीतर बड़ा चेंज लेके आए। और दूसरे शख्स के बारे में मैं क्या कहूं, महागुरु रॉयल ड्रीमर के जनक श्री माधव सर, सोनम रेस्टोरेंट की वो आधे घंटे की मुलाकात जहां फ्राइडे की ट्रेनिंग को हम अटेंड करते थे, जिंदगी के पहिए को पूरी तरह से पलट के रख दिया, लाइफ एकदम से यू टर्न हो गई। सोनम रेस्टोरेंट के भीतर ट्रेनिंग हुआ करती थी, मैं हताश था, परेशान था, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बिजनेस करूं, कैसे आगे लेके जाऊं, क्योंकि करना बहुत कुछ चाहता था लेकिन रास्ते नहीं मिलते थे। सर की वो आधे घंटे की मुलाकात ने जीवन को बदल के रख डाला। आज मैं बड़ा आभारी हूं उनका, उनका बड़ा एहसानमंद हूं जिन्होंने उस दिन मार्ग दिखाने का, एक अर्जुन बनने का काम उन्होंने किया, रास्ता दिखाया, और आज उनकी वजह से एक सही रास्ते पे गया। आज रोल मॉडल हजारों के हैं मेरे भी दिल में रहते हैं, जिनको सुन सुनकर, देख देख कर, उनकी बातों को सुनकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। श्री विजयपाल सर आज हमारे कोच हैं, जिनके गाइडलाइन में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। कह सकता हूं कि अगर दुनिया में किसी व्यक्ति को यह समझना है ना कि ऊंचाई पर जाने के बाद भी किसी आदमी को हम्बल कैसे रहना है, तो उनको मैं कहता हूं श्री विजयपाल सर से मुलाकात करनी चाहिए। एक ऊंचाई पर जाने के बाद भी कोई आदमी कितना नॉर्मल रह सकता है। श्री शिव कुमार सर, शिव कुमार शर्मा सर, श्री सत्य प्रकाश सर, श्री राधेश्याम कुशवाहा सर, श्री अजय राजपूत सर, ये वो महान हस्तियां हैं जिनकी संगत में आया, कुछ ना कुछ सीखता चला गया, जिनके ज्ञान ने मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिया। एक और शख्सियत श्री सत्येंद्र प्रसाद, क्या कहूं इनके बारे में,
कहां से शुरू उनके बारे करूं इनके बारे में. ही इज द गॉडफादर ऑफ माय लाइफ, वो मेरे जीवन के भगवान है. अगर कोई मुझसे अगर पूछे ना कि आपने भगवान को देखा है, आंख बंद करके कह सकता हूं बिल्कुल देखा है, उठते बैठते हुए देखा है, चलते फिरते हुए देखा है, बात करते हुए देखा है, खाते पीते हुए देखा है. भगवान की शक्ल सूरत कोई मुझसे अगर पूछे ना तो मैं कह सकता हूं कि उस भगवान की भी शक्ल सूरत मेरी अपलाइन श्री सत्येंद्र प्रसाद के जैसे ही है. वो मेरे गॉडफादर है, मेरे रोल मॉडल है, जिनकी गाइडलाइन की वजह से मैं बिजनेस के भीतर आके आया. अगर वो इस बिजनेस के भीतर अगर ना होते तो अजय पंडित इस बिजनेस के भीतर नहीं आता. उन्होंने मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करवाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हर वो छोटी से छोटी चीज मुझे करना सिखाया, बड़े सपने देखने सिखाए. और उनकी वजह से आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ मुलाकात करने का मौका मिला, उनकी समझ को अपने भीतर उतारने का मौका मिला, उनके ड्रीम्स को देखने का मौका मिला, उनकी जो थिंकिंग जो थॉट जो था, उनके बड़े विचार थे, उन बड़े विचारों को अपने जीवन में उतारने का मौका मिला. अगर शायद सत्येंद्र प्रसाद जी मेरे जीवन में अगर नहीं आते तो इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा विचार और इतना बड़ा ड्रीम देखने की ताकत मुझ जैसे अपने से व्यक्ति के पास में कभी जीवन में नहीं होती. श्री राकेश प्रसाद जी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, हमेशा जब भी हौसला टूटता था, हौसला बनकर साथ में रहते तो एक ही बात करते, सर फिक्र मत करो, सारी चीज ठीक हो जाएगी. भाई कम दोस्त ज्यादा, और एक दोस्तों की तरह हम लोगों ने मिलकर काम किया. ये वो लोग हैं, ये वो बड़े ड्रीमर हैं, ये वो बड़े सपने देखने वाले लोग हैं जिन्होंने मुझे सपने देखना सिखाया. शायद अगर ये लोग अगर मेरी जिंदगी में अगर ना आए होते तो बड़े सपने देखने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं पाता. ये कुछ नाम हैं, श्री जसवीर सर, श्री शैलेंद्र सर, श्री विकास यादव सर, श्री परशुराम सर और श्री केशुमाशंकर सर. ये वो नाम हैं जिनका आज पूरा हिंदुस्तान दीवाना है, लाखों लोग आज इनके दीवाने हैं. अरे मैं भी उनमें कहां अलग हूं. ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ में इंस्पायर किया, इनकी सक्सेस ने मुझे इंस्पायर किया, इनके अचीवमेंट्स ने मुझे इंस्पायर किया, इनके स्टेज के परफॉर्मेंस ने मुझे इंस्पायर किया, इनकी डायलॉग डिलीवरी ने मुझे इंस्पायर किया, इनकी हर वो चीज, हर वो अदा जिसने मुझे इंस्पायर किया, जिंदगी में कुछ बड़ा सोचने के बारे में सिखाया, बड़ा करने के बारे में सिखाया. आज मैं फैन हूं इनका, इनसे मैंने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में सीखा है. बड़ा आभारी हूं जिन्होंने मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा 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 सपना देखने का मौका देखना सिखाया. बहुत एहसानमंद हूं मैं. दोस्तों एक चीज कह सकता हूं कि अगर जीवन में अगर बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट से भी दुनिया में, अगर आप अपने बड़े से बड़े सपने को पूरा अगर करना चाहते हैं, बड़े से बड़े सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो मैं एक सेंटेंस में एक ही चीज कह सकता हूं, अगर आपको अपने सपनों को अगर पूरा करना है तो अपने अपलाइन को अपना गुरु बनाओ. आपकी अपलाइन की सीरीज में, आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जितने भी अपलाइन हैं, किसी एक को चुनो, किसी एक को चुनो जिससे आपका दिल मिलता है, जिससे आपका विचार मिलता है, जिससे मिलने के बाद आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, जिससे मिलने के बाद हर मुश्किल चीज आपके लिए आसान बन जाती है, जिससे मिलने के बाद आपको उलझनों में भी सारी चीजें सुलझती चली जाती हैं. ऐसे एक व्यक्ति को चुनो और उसे अपलाइन नहीं, उसे अपना गुरु बनाओ. क्योंकि गुरु के बिना कोई भी इंसान जिंदगी में बहुत दूर तक नहीं जा सकता. बहुत बड़ी सक्सेस को पाना है तो अपने उस मेंटर को पकड़ो. वो मेंटर आपको बहुत बड़ी सक्सेस तक लेके जा सकता है, आपके बड़े से बड़े सपने को आपको पूरा करके दे सकता है. बड़े से बड़े सपने, जिन सपनों के बारे में आपने सोचा भी नहीं, वो सपने आपकी जिंदगी में आ सकते हैं. अरे सपनों का घर आपकी जिंदगी में आपके पास में आ सकता है. ये एक छोटा सा एक घर जो मैंने 2014 में खरीदा था, ये मुझे मेरे अपलाइन, मेरे कोच, मेरे मेंटर ने जो ड्रीम दिए थे, छोटे छोटे सपने दिखाने की शुरुआत की थी, छोटे सपने. और छोटे छोटे सपने आपकी जिंदगी में कब बड़े बन जाते हैं, कब वो छोटे छोटे सपने आप देखते देखते बड़े सपने तक पहुंच जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता. जब मैं डायमंड बना था 2014 में, मैंने इस घर को मैंने खरीदा था. और आज जब ये घर मैंने खरीदा था, सच कहूं उस समय मेरे सपनों के हिसाब से ये घर मेरे लिए बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा. क्योंकि जब सोच बहुत छोटी होती है ना तो चीजें बहुत बड़ी दिखती है. ये घर उस समय मेरी सोच के हिसाब से बहुत बड़ा दिखता था. लेकिन आज जब इस घर को जब मैंने खरीदा 2014 में, उसके बाद सर ने एक दूसरा घर और दिलवाया. उस घर के सामने जब इसे देखना शुरू किया तो ये छोटा और वो बड़ा दिखने लगा. उसके बाद तीसरा घर खरीदा, उसके सामने दूसरा वाला घर छोटा दिखने लगा. और उसके बाद सर ने चौथा घर दिलवाया. मुझे लगा कि शायद ये तीसरा वाला घर मेरा सबसे बढ़िया वाला घर है, लेकिन वो तीसरा घर मेरे चौथे घर के सामने छोटा दिखने लगे. आज दोस्तों इस बिजनेस की वजह से एक नहीं बल्कि जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ऐसे चार चार घर का मालिक आज मैं, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु लोगों के आशीर्वाद की वजह से, सिर्फ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एजुकेशन की वजह से, रॉयल ड्रीमर टीम की यूनिटी, पावर और विजन देने की वजह से, इतने बड़े बड़े सपने आदमी साकार कर सकता है. सपनों वाली इनकम, एक ऐसी इनकम जब आदमी कोई सेफ शॉप बिजनेस के भीतर जुड़ता है. सेफ शॉप तो छोड़ो साहब, दुनिया में आज चाहे कहीं भी मार्केट में अगर हो, हर आदमी का सपना है लाखों में आमदनी कमाने का.
वो ड्रीम इनकम जिसे पाने का ख्वाब हर कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आने के बाद देखता है, हर कोई व्यक्ति उस ड्रीम को देखता है। मैं 2015 में डायमंड बना था, उसके छह महीने के बाद से 8 फरवरी 2015 में मैंने डायमंड बना था, और उसके 6 महीने के बाद से लेकर अब तक मैं नॉन स्टॉप रेगुलर 2 लाख रुपए की कैपिंग पे मैं लगातार बना हुआ हूं कंपनी के भीतर, रेगुलर नॉन स्टॉप अनब्रेकेबल। कभी ऐसा कोई वीक नहीं आया जिस वीक मेरा कोई चेक टूटा। वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे रोल मॉडल, मेरे गाइड, मेरे अपलाइन, मेरे कोच, मेरे भगवान, वो है। दोस्तों क्या कहूं, आज मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अपने गुरुजनों का, अपने आदर्शों का, अपने अपलाइनों का, जिन्होंने मेरी जिंदगी में आकर मेरे जैसे मजदूर के बेटे की जिंदगी को इतना बड़ा उन्होंने बना दिया। शायद वो लोग अगर जीवन में अगर नहीं होते तो जीवन इतना बड़ा नहीं बनता। आज इन सब कड़ियों के भीतर जिन लोगों ने मेरा साथ दिया वो मेरे टीम के साथ ही आज 5 लोग मेरे टीम के भीतर मरकरी हैं, अविनाश कुमार जी, संजीव कुमार जी, सतीश कुमार जी, अजीत झा जी, शुभकांत कुमार जी, और मेरे साथी के रूप में मिले धर्मवीर सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी, सत्यपाल सिंह जी, पंकज सिंह जी, ये पिलर है। और ऐसे ढेर सारे डायमंड, रूबी, एमराल्ड हैं जिनकी दिन रात की मेहनत की वजह से आज मुझ जैसे व्यक्ति का जीवन बन पाया है। एक मजबूत पिलर के रूप में ये साथी मुझे मिले हैं। सच कहूं ना, ये जीवन में आज जो भी कुछ आज मेरे पास में है, अगर मैं इसे किसी को समर्पण अगर करना चाहूं तो मैं अपने अपलाइन और अपने सभी टीम के साथियों के साथ मैं इसको बांटना चाहूंगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने कोच, अपने मेंटर को मैं देना चाहता हूं, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सत्येंद्र प्रसाद जी का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विजयपाल सर का, और धन्यवाद देना चाहता हूं महागुरु श्री माधव सर का, जिन्होंने आज मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका दिया और मुझे 2 बात आप लोगों से कहने का मौका दिया। दोस्तों हो सकता है कि इस बातचीत के दरमियान हो सकता है अपने कद से ज्यादा मैंने अगर बड़ी बातें की है, किसी को चोट लगा माफ करना, सभी से बहुत छोटा हूं। और अगर कुछ भी अगर अच्छा कहा, अपलाइनों से जो मैंने सीखा, सिस्टम से जो मैंने सीखा, बस वही मैंने आपको देने की कोशिश की। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।